राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि किसानों ने शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से देश भर में कृषि बचाओ लोकतंत्र बचाओ दिवस मनाया और कहीं अनुशासन नहीं तोड़ा, इसके लिए वो उनको धन्यवाद करते हैं। उन्होंने कहा कि 3 कृषि कानूनों के खिलाफ देश के किसानों ने पिछले 7 महीने से कड़ाके की ठंड झेली, तपती गर्मी की लू झेली, पुलिस की लाठियां और सरकारी अत्याचार झेला, निरंतर अपना अपमान झेला, सैकड़ों साथियों की शहादत का गम झेला और अब बरसात झेल रहे हैं। इतना ही नहीं, देश के किसान पिछले 7 साल से अहंकारी सत्ता के दमन चक्र को भी सह रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सरकार का हृदय इतना कठोर क्यों है, ये अपने ही लोग हैं, क्या सरकार इनके दुख को महसूस नहीं कर पा रही। उन्होंने फिर दोहराया कि सरकार को जिद और अहंकार छोड़कर किसानों से बात कर उनकी मांग स्वीकार करनी चाहिए। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि देश के कृषि मंत्री कह रहे हैं कि भारत सरकार कानून के किसी भी प्रावधान पर बात करने के लिए भी तैयार है और उसका निराकरण करने के लिए भी तैयार है, तो फिर सरकार किसानों द्वारा बातचीत शुरू करने के प्रस्ताव को क्यों नहीं मान रही। किसानों के प्रस्ताव पर सरकार के उपेक्षापूर्ण रवैये से ऐसा लगता है कि सरकार को देश के किसानों की कोई चिंता ही नहीं है। सरकार आंदोलन को समाप्त करवाना ही नहीं चाहती, उसे कोरोना महामारी के फैलने की भी कोई चिंता नहीं है। सरकार किसानों के धैर्य का इम्तिहान ले रही है, वो सोचती है कि किसान परेशान होकर अपने घर चले जाएंगे, जो उसकी बड़ी भूल है। सरकार देश के किसानों और देश की जनता को गुमराह क्यों कर रही है। अगर सरकार वास्तव में किसानों की समस्या का समाधान करना चाहती है तो वो वार्ता का दिन स्थान समय तय कर उसकी सार्वजनिक घोषणा करें। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सरकार लगातार किसान विरोधी नीतियों से, तरह तरह के हथकंडों से किसानों की आवाज दबाने का प्रयास कर रही है। आंदोलन में शामिल किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक दायरे में चल रहे इस आंदोलन को सरकार जितना भी दबाने का प्रयास करेगी, ये आंदोलन उतना ही मजबूत होता जाएगा। हल्ला बोल हरियाणा।